हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और क्लास 12 के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एडवांस्ड प्लस बोर्ड के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने प्लेन मिरर के हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है, हर एक पॉइंट को के रिलेशन बिटवीन इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक एक टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर में हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को समझेंगे। ठीक है, क्या है वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि एक प्लेन मिरर दिया गया है, ठीक है, एक प्लेन मिरर यहाँ दिया गया है और इस प्लेन मिरर के ठीक बराबर में, ठीक है, इस प्लेन मिरर के ठीक बराबर में एक स्क्रीन है। ठीक है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन आइसक्रीम नहीं है, स्क्रीन है। ठीक है, और यहाँ पर एक नॉर्मल अपन ने हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर एक रे ऐसे आई, ठीक है, एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आती है, ये थोड़ा टेढ़ी किरण टेढ़ी हो गई है, किरण का कुबर निकल गया है। एक रे ऐसे आई, कितने डिग्री से आती है, तो थीटा डिग्री से आती है, या कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई और ऐसे चली गई, ऐसे जब गई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से गई। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे गई है, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट किरण और रिफ्लेक्टेड किरण, रिफ्लेक्टेड किरण जब गई है, किरण, ठीक है, किरण या, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये कितना एंगल बना रही है प्लेन मिरर से, थीटा एंगल बना रही। और आपको क्वेश्चन ये दे रहा है कि ये जो प्लेन मिरर है ये मूव कर रहा है कितना से, ओमेगा से। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। तो आपसे इस मिरर को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये यहां तक, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड स्पॉट है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड स्पॉट, रिफ्लेक्टेड स्पॉट, ठीक है। तो आपको निकालना है कि अगर ये प्लेन मिरर ओमेगा की स्पीड से रोटेट कर रही है, कर रहा है, ओमेगा की स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड स्पॉट है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड स्पॉट। बात एक ही है, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड स्पॉट आपको बताना है कि कितनी होगी। तो क्या करना है, ये समझ में आ गया बात आपको, आपको ये दिया गया है कि एक प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर ऐसे रोल कर रहा है, प्लेन मिरर ऐसे रोल कर रहा है। तो प्लेन मिरर अगर ओमेगा वेलोसिटी से ऐसे रोटेट करे और इस पर एक रे इंसिडेंट हो, तो जो रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड स्पॉट जो होगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड स्पॉट हमें निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, देखिए यहां पर सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि मान लेते हैं कि इसकी दूरी अगर इस पॉइंट से इस स्क्रीन की दूरी अगर x है, और ये अगर मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, ये यहाँ से यहाँ की दूरी y है, तो एक्चुअली में देखा जाए वेलोसिटी, तो वी नो डैट हमें ये निकालना है कि इस y डिस्टेंस को ये कितने देर में तय करेगा ताकि हमें वेलोसिटी निकल जाए। तो वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी साफ लिख सकते हैं, फॉर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड स्पॉट, वी वॉन्ट हम चाहते हैं डीवाई बाई डी टी, ठीक है, बराबर वी चाहिए, और वी कैसे मिलेगा, डीवाई बाई डी टी। तो अब हमें वाई, ठीक है, तो अब हमें सारा काम किसके लिए करना है, वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डीवाई बाई डी टी। तो नाउ v बराबर क्या है, dy by dt, v बराबर क्या है, dy by dt। तो अब देखें अगर ध्यान से, तो d by dt, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, y को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखा जाए ये x है, ये y है, ठीक है, और ये अगर देखा जाए ये y, ये x है, ये y है, तो अगर हम y को निकालने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, हम y के लिए क्या काम कर सकते हैं, तो देखें यहां ध्यान से,
कि इन ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और लगाते हैं टैन थीटा, तो टैन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो y बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, b, b क्या है x, x tan थीटा। तो यहां पर y की जगह क्या डाल देंगे, x tan थीटा, x tan थीटा। तो v बराबर आ गया x। अब देखिए x कांस्टेंट है, ये वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, तो x को बाहर कर देंगे, d tan थीटा बाई d। ओ माय गॉड, अब तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहां थीटा है और यहां t है, तो यहां लगाएंगे हम लोग चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल कैसे लगेगा, देखिए d tan tan थीटा बाई dt into, ठीक है, d थीटा बाई dt, ठीक है, ये हमने चेन रूल लगाया है, d थीटा से मल्टीप्लाई और d थीटा से डिवाइड। अब इसका क्रॉस, इसका जगह चेंज कर दें, तो d tan थीटा बाई d थीटा into d थीटा बाई dt, तो v बराबर हो जाएगा x, और d tan थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा into d थीटा बाई dt। अब देखिएगा v बराबर, ठीक है, v बराबर क्या डाल सकते हैं, या यहीं पर लिख सकते हैं v बराबर x sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, x sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा बाई dt के जगह क्या लिखेंगे, d थीटा बाई dt के जगह क्या लिखेंगे, तो d थीटा बाई dt के जगह लिखेंगे 2 ओमेगा। सर आपने 2 ओमेगा क्यों लिखा है, अब थोड़ा बात समझिए। जब हम प्लेन मिरर को, पुराना कंसेप्ट है इसी टॉपिक का, प्लेन मिरर का, जब हम प्लेन मिरर को थीटा डिग्री घुमाते हैं, जब हम प्लेन मिरर को थीटा डिग्री घुमाते हैं, तो रिफ्लेक्टेड स्पॉट कितना घूमेगा, या रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमती है, 2 थीटा, ये आपको मालूम है। प्लेन मिरर को अगर हम थीटा घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगी, 2 थीटा। तो प्लेन मिरर एक तरफ रखिए, प्लेन मिरर, और एक तरफ रखिए रिफ्लेक्टेड रे। तो जब आप प्लेन मिरर को थीटा घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगी, 2 थीटा। तो अगर थीटा डिग्री घूमती है टी टाइम में, तो 2 थीटा घूमेगी कितने टाइम में, वो भी टी टाइम में, तो ये हो जाएगा ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा। मतलब कि अगर प्लेन मिरर का रिवॉल्यूशन या वेलोसिटी ये है, तो एट द सेम टाइम रिफ्लेक्टेड रे का वेलोसिटी, रिफ्लेक्टेड रे की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 ओमेगा। इस वजह से हमने यहां रखा v बराबर x sec स्क्वायर। तो इसको फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं, इसका फाइनल रिजल्ट v बराबर 2 ओमेगा x sec स्क्वायर थीटा, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। अब ये हमने जो बनाया है, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड जो हम लोग बनाएंगे वो ब्लैक कलर से बनाएंगे, ताकि आपको मालूम चले दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या है, तो यहां पर हम लोग सेकंड मेथड निकाल रहे हैं, फर्स्ट मेथड से ये रिजल्ट आ गया। सेकंड मेथड अगर आप देखें ध्यान से, तो चूंकि ये, अगर ये सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, सेंटर, तो अगर आप देखें तो ये एक सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव करेगा। अगर ये पॉइंट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो ये रेडियस हो जाएगा, अरे बोल भाई, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्टेड ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऐसे मूव कर रहा है, रिफ्लेक्टेड स्पॉट या रिफ्लेक्टेड रे अगर ऐसे मूव कर रही है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, और फिक्स्ड पॉइंट से अगर कोई चीज ऐसे मूव करे, एक पॉइंट उसका फिक्स्ड कर दीजिए, दूसरा पॉइंट अगर फ्री टू मूव हो, तो वो एक सर्कल तैयार करेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये भी एक सर्कल तैयार कर रहा है, उस सर्कल का रेडियस कौन है, ये, उस सर्कल का रेडियस कौन है, ये। अब ये रेडियस कितना होगा, अब ये रेडियस कितना होगा, तो देखिए फिर से इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम इसी ट्रायंगल में काम करें, तो यहां पर अगर हम काम कर सकते हैं, इसी ट्रायंगल में हम यहां पर काम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल इसमें, तो हमें रिलेशन निकालना है, इसके रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने का मतलब हमें हाइपोटेनस चाहिए, और ये रेडियस इस ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनस है, ये रेडियस इस ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनस है। तो हमें हाइपोटेनस चाहिए। अब हमें जब हाइपोटेनस चाहिए, तो हम इस ट्रायंगल में क्या काम कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम इस ट्रायंगल में क्या काम कर सकते हैं, तो हम इस ट्रायंगल में काम कर सकते हैं रेडियस बराबर कॉस थीटा, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा बी बाई एच, तो एच बराबर हो जाएगा बी बाई कॉस थीटा, या एच बराबर
बी सेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो बी क्या है यहां पर बेस है एक्स, एक्स सेक थीटा, एच बराबर एक्स सेक थीटा, तो ये एक्स सेक थीटा, ये रेडियस निकल कर आ गया। अब चूंकि ये मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, और ये टेंजेंट है, इसका मतलब कि ये भी क्या है थीटा। अब जब ये थीटा है तो इसका कंपोनेंट निकालिए, इधर आएगा कौन सा कंपोनेंट v cos थीटा, और इस तरफ आएगा इसका v sin थीटा। हमें कौन सा कंपोनेंट निकालना है, v cos थीटा निकालना है, तो v cos थीटा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो v cos थीटा, ठीक है, v बराबर क्या हो जाएगा v cos थीटा, तो v cos थीटा हम निकाले अगर तो क्या हो जाएगा, देखिए v cos थीटा, v cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, मस्ट बी इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू किसके, r ओमेगा, देयरफॉर, ठीक है, क्योंकि v cos थीटा बराबर एंगुलर, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है किसके बीच में, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, तो v cos थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v cos थीटा बराबर r, r की जगह क्या डालेंगे, x sec थीटा, x sec थीटा ओमेगा। अब देखिए ये v cos थीटा है, तो cos को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा बराबर x sec थीटा ओमेगा, और ये sec थीटा उधर चला जाएगा तो v बराबर आ जाएगा, और चूंकि 2r ओमेगा होगा, ये v cos थीटा बराबर किसके होगा, 2r 2 ओमेगा, क्यों 2 ओमेगा है, क्योंकि आपको बताया मैंने कि अगर ये ओमेगा से मूव करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से मूव करेगा, 2 ओमेगा से, इसलिए यहां 2 ओमेगा होगा, मस्ट बी इक्वल टू r 2 ओमेगा, r 2 ओमेगा, r 2 ओमेगा, और r की जगह डाल दी x, और ये x sec थीटा, और यहां डाल देना है 2 ओमेगा, तो x sec थीटा 2 ओमेगा, यहां भी 2 ओमेगा लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो ये sec जब इधर आ जाएगा तो sec स्क्वायर, तो 2 ओमेगा x sec स्क्वायर थीटा। तो ये दो तरीका है जिससे आप रिफ्लेक्टेड स्पॉट निकाल सकते हैं, सिंपल कंसेप्ट कि जब प्लेन मिरर ओमेगा की स्पीड से मूव करे तो रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड स्पॉट 2 ओमेगा से मूव करेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ये थीटा एंगल मूव करती है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से मूव करती है, ठीक है, तो ये दो तरीका है, दोनों में रिजल्ट सेम ही आया, 2 ओमेगा x sec स्क्वायर थीटा, 2 ओमेगा x sec स्क्वायर थीटा। अब हम लोग समझेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे में सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ये एक प्लेन मिरर है और ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, ये एक नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया एन कैप, ठीक है, एन कैप क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल का डायरेक्शन हो गया एन कैप यूनिट वेक्टर, और ये एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आई और यहां ऐसे चली गई। तो जनरली हमें क्या दिया जाता है, हमें दिया जाता है फाइंड दी, ठीक है, हमें जनरली क्या दिया जाता है निकालने के लिए, फाइंड दी वेक्टर फॉर्म ऑफ, फाइंड दी वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये हमें निकालने को दिया जाता है, फाइंड दी वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये हमें निकालने को दिया जाता है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर इसका सॉल्यूशन है और ये पूरा का पूरा मैथ्स है। सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए, लेट एन कैप बी दी यूनिट वैक्टर अलोंग नॉर्मल, क्या मान लिए कि एन कैप क्या है, यूनिट वैक्टर है अलोंग नॉर्मल, ठीक है, लेट ए कैप बी दी यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, ठीक है, ए कैप, ठीक है। अब ये आप कहिएगा कि सर ए कैप कैसे, तो ये आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको दिया रहेगा कि द इंसिडेंट रे वेक्टर, ठीक है, इंसिडेंट रे वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो ये इंसिडेंट रे का ऐसे आई वैक्टर, ठीक है, आई वैक्टर ऐसा दिया रहेगा, तो आप इसका आई कैप निकाल सकते हैं, आई कैप निकालना आसान है, मैग्नीट्यूड वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड कर दीजिएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो आपको, ठीक है, आई कैप निकल जाएगा, तो आई कैप निकालना आसान है, तो आपको ये दो चीज नोन होगा, ठीक है, ये और ये दो चीजें आपको दी जाएंगी, नोन होगा, ठीक है। लेट एन कैप क्या है,
यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, तो एन कैप का भी एक वेक्टर फॉर्म होगा, तो उससे आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके, वेक्टर बाय मॉडुलस, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। ए कैप भी दी यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड बी वेक्टर बी दी यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, वी वेक्टर क्या है रिफ्लेक्टेड रे, बी वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर ध्यान दें, तो ये हमने ए वेक्टर ले लिया, ये हमने बी वेक्टर ले लिया, ये ए वेक्टर एन के साथ थीटा और ये बी वेक्टर भी एन के साथ थीटा। अब यहां पर काम क्या करना है, हमें निकालना है बी कैप, ठीक है, हमें क्या निकालना है बी कैप। तो अब क्या करेंगे, देखें ध्यान से, ये अगर ए कैप है, ये क्या है ए कैप, ठीक है, ये अगर ए कैप है तो अगर मैं ऐसे, ये अगर ए कैप है तो अगर मैं माइनस ए कैप लिखूं तो क्या वो ऐसा होगा, माइनस ए कैप, ठीक है, माइनस ए कैप, ए कैप अगर ये है तो माइनस ए कैप ये होगा। अब इस फिगर को मिलाएं, अब इस फिगर को जब आप मिलाएंगे तो देखें ध्यान से, ये बी कैप है और ये माइनस ए कैप, माइनस ए कैप, और ये बीच में नॉर्मल है, ठीक है, बीच में नॉर्मल है, ये बीच में, ये बीच में नॉर्मल है, कितना कितना बना रहा है थीटा, और ये भी थीटा बना रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, मुझे ऊपर जगह चाहिए इस वजह से, ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, बी कैप और ये ए माइनस ए कैप, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बी कैप तो ये हो जाएगा बी कैप, बी कैप, और ये हो जाएगा माइनस, माइनस ए कैप। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने यूज किया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने यूज किया, ये बी कैप है तो ये बी कैप, ये माइनस ए कैप तो ये माइनस ए कैप, तो ये इसका रिजल्टेंट। अब अगर हम इसे रिजॉल्व करें, ध्यान से देखिए, अगर अब अगर हम इसे रिजॉल्व करें तो ये हो जाएगा इधर बी कैप साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस ए कैप साइन थीटा, ठीक है, माइनस ए कैप साइन थीटा। तो दोनों का, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्यों कैंसिल कर देगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है। ए कैप मतलब कि ये माइनस बस डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, माइनस क्या बता रहा है, बस डायरेक्शन बता रहा है, हालांकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये भी साइन थीटा है वो भी साइन थीटा है, ये भी यूनिट वेक्टर है वो भी यूनिट वेक्टर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है, तो जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो इस बी का इधर आ जाएगा कॉस, कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा ए कैप कॉस थीटा, ठीक है, ए कैप कॉस थीटा। तो जो रिजल्ट बचेगा, मतलब कि जब हम दोनों को घटाएंगे, ठीक है, तो बी वेक्टर, सॉरी, बी में से ए को जब हम घटाएंगे, यहां देखा जाए तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, क्या किया है हमने यहां पर, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करके ऐड किया है, तो यहां पर मैं, हमने एक्चुअली में क्या किया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यहां पर लिख सकते हैं डूइंग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, डूइंग सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं, क्योंकि हमने ए कैप का नेगेटिव ए कैप लिया है और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमें मिला बी कैप माइनस ए कैप, तो बी कैप माइनस ए कैप क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए अगर आप, ठीक है, बी कैप माइनस ए कैप हमें मिलेगा, बी कैप माइनस ए कैप मिलेगा हमें टू ए कैप बी कैप कॉस थीटा, क्योंकि ये रिजल्टेंट यही है, ये यहां पर क्या क्या, बी कैप माइनस ए कैप बराबर टू ए कैप बी कैप कॉस थीटा। यहां पर दोनों दोनों का अगर देखें, एक चीज यहां पर, ये मॉडुलस है, तो हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो इसमें से यूनिट हटा देंगे, तो रिजल्ट जो हमें मिला वो क्या मिला, टू कॉस थीटा। क्यों टू कॉस थीटा मिला है, क्योंकि दोनों ही वैक्टर अलोंग एन कैप है, दोनों ही वैक्टर, दोनों ही का कॉम्पोनेंट जो है अलोंग एन कैप है। तो अगर हम डायरेक्शन वाइज लिखें, तो डायरेक्शन वाइज क्या लिखेंगे, बी कैप माइनस ए कैप, बी कैप माइनस ए कैप बराबर लिखेंगे टू कॉस थीटा एन कैप, बी कैप माइनस एन कैप, बी कैप माइनस ए कैप क्या लिखेंगे, टू कॉस थीटा एन कैप। अब मुझे यहां पर से कॉस थीटा हटाना है, तो कॉस थीटा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये माइनस ए कैप है
और यहाँ पर ये एन कैप है, ध्यान से देखिए अगर आप फिगर में, तो ये ए कैप माइनस ए कैप, ये एन कैप और ये थीटा है। तो अगर हम माइनस ए कैप डॉट एन कैप अगर निकालें, तो माइनस ए कैप डॉट एन कैप तो ये हो जाएगा वन इंटू डॉट हटेगा तो क्या आएगा कॉस थीटा। तो माइनस ए कैप डॉट एन कैप बराबर क्या मिला हमें कॉस थीटा। तो हम यहाँ जो फॉर्मूला लिखे हैं इस फॉर्मूला में डायरेक्ट डाल सकते हैं बी कैप माइनस ए कैप बराबर टू, और कॉस थीटा की जगह क्या डाल देंगे माइनस ए कैप डॉट एन कैप, और पहले से एन कैप है इसलिए एन कैप डाल देते हैं। तो अब यहां पर बी कैप माइनस ए कैप बराबर, इस माइनस को इधर भेज दे तो माइनस टू ए कैप डॉट एन कैप फिर एन कैप, ठीक है। और ये जो हमारा माइनस ए कैप है इसको अगर हम उधर भेज दें, तो इसको अगर हम उधर भेज दें तो ये आ जाएगा बी कैप बराबर ए कैप, ये माइनस इधर प्लस हो गया, माइनस टू ए कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया किसका, बी वेक्टर का। अब आपको अगर दिया जाए, जैसे यहां पर हमने एग्जांपल लिया था थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फोर के कैप, ये अगर इंसिडेंट रे का दिया गया है तो आप इजिली निकाल सकते हैं, अगर ए वैक्टर दिया गया है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे वैक्टर अगर दिया गया तो आप इसे ए कैप निकाल सकते हैं, ए कैप निकाल कर यहां डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको साथ में नॉर्मल का भी दिया रहेगा, ठीक है, नॉर्मल भी दिया रहेगा कि इसमें से जो नॉर्मल है वो अलोंग के कैप है, ठीक है, नॉर्मल एक्सिस है, जो नॉर्मल है वो अलोंग के कैप है। तो जहां एन होगा, एन कैप होगा, वहां पर के कैप डाल देंगे, तो ए का के डॉट के यहां हो जाएगा वन, बाद बाकी सब जीरो हो जाएगा, फिर के डॉट के। तो इस तरह से इस पर वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया, आपको दोनों का यूनिट वेक्टर निकालना और सीधा सीधी वहां डाल देना और कोई घोचपोच इसमें नहीं करना है, ठीक है। तो यहां इस वीडियो में हमने दो चीजें समझी, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड स्पॉट और वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इस लेक्चर में अगर आपको जरा सा भी कोई भी डाउट है किसी पॉइंट पर, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो बेशक कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें और अपने डाउट को लिखें, इंशाल्लाह मैं आपके डाउट को जरूर और ऑन द स्पॉट एज सुन एज पॉसिबल आई विल क्लियर योर डाउट एंड दैट विल बी माई एफर्ट, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें, ठीक है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपने ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।